घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये शब्द बोलकर निकलिए, ये बोलने से आपका कार्य पूरा होता है और कार्य में सफलता मिलती है। मैं हूँ उमाश्री, आज एक नई जानकारी आपको देने जा रही हूँ। उम्मीद है इस जानकारी को भी आप पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। और कुंडली परामर्श अगर लेना है तो 2100 रुपये में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। बिना देरी के संपर्क करिए, एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। यदि घर में नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर रहे हैं तो 5100 रुपये में आप अपने घर का नक्शा दिखा सकते हैं। बिना देरी के संपर्क करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं घर से बाहर निकलते समय क्या बोल के निकलें जिससे कि आपका काम पूरा हो। पहली चीज़ तो घर से जब भी बाहर जाते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, ये बोलना चाहिए कि अभी थोड़ी देर में लौट के आता हूँ या आती हूँ, अभी आ रही हूँ, ऐसे अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ऐसा बोल के निकलना चाहिए। कभी ये बोल के नहीं निकलना चाहिए कि अच्छा मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा बाय बाय करके नहीं निकलना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि कार्यम सिद्धम बोल के निकलना चाहिए, और घर के लोगों को भी कार्यम सिद्धम बोलना चाहिए। ऐसा करने से कार्य सिद्ध होता है। इसके अलावा घर से जब भी निकलें तो सब काम पहले ही करके निकलें जिससे कि घर के लोग पीछे से कोई टोके नहीं, कोई आवाज़ ना देवे। ऐसा करने से भी काम पूरा होता है जब कोई आपको टोकता नहीं है, आवाज़ नहीं देता है। लेकिन घर के सदस्यों को चाहिए कि जब घर का सदस्य कोई बाहर जाता है तो उसको गेट तक छोड़ने जरूर आना चाहिए। ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलती है। इसके अलावा आपका जो नाक का स्वर चल रहा है दायां बायां, किस नाक से आपको सांस आ रही है, जिस नाक से आपको सांस आ रही है ही पैर पहले घर से बाहर निकालिए तो आपका काम जरूर पूरा होता है। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से पहले अपने घर के भगवान, अपने इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी, पितृ देव का भी नाम स्मरण करके निकलना चाहिए। माता पिता के चरण छूकर निकलना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। और कोई भी मीठी चीज़ खाकर फिर पानी पीकर निकलना चाहिए। गुड़ खाकर या दही खाकर निकलने से कार्य की सिद्धि होती है।